शिवोत्तम बस में लगी आग, आधा बस जलकर हुआ राख। बड़ी खबर गढ़वा के खरौंदी प्रखंड से आ रही है, जहां खड़ी शिवोत्तम बस में आग लग गई। आपको बता दें, खरौंदी बाजार स्थित देवी मंदिर के समीप कुर्बान अंसारी की बाउंड्री में खड़ी शिवोत्तम बस में शाम 5 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें बहुत तेज हो गई। बस को जलते देख आसपास के सैकड़ों ग्रामीण जलती बस के पास इकट्ठा हो गए। बस के पास एक जेसीबी खड़ी थी, उसे तुरंत बस से अलग किया गया ताकि जेसीबी में आग नहीं पकड़ सके। अधिकांश ग्रामीण आग बुझाने में लग गए, वहीं कई ग्रामीण आग को बुझाने के लिए बस पर धूल डाल रहे थे। हालांकि बस में धूल डालने से आग की लपटें कम हो गई। इसके पश्चात ग्रामीणों ने बस में पानी डाला। ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बस का सीट, शीशा, वायरिंग 50% क्षेत्र जल गया। वहीं बस मालिक कुर्बान अंसारी के भाई एजाज अहमद ने बताया कि सभी गाड़ियां बाउंड्री में ही खड़ी होती हैं। दिन भर चलने के बाद वापस बाउंड्री में ही लाकर खड़ी कर दी जाती है। उसी बाउंड्री में लगभग 2 साल से बस खड़ी थी। प्रतिदिन ड्राइवर के अलावा हम लोग भी बाउंड्री में जाकर सभी गाड़ियों की निगरानी करते रहते थे। इस बीच गाँव के कई लफुआ बाउंड्री में खेलते हुए मिल जाते थे, उन्हीं में से किसी एक ने बस में आग लगाकर भाग गए हैं। वहीं कई ग्रामीणों ने भी बस में आग लगने की आशंका जाहिर की है, लेकिन बस में आग कैसे लगी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस दौरान उपप्रमुख देवदत्त प्रसाद, आर्य विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र दास, सांसद प्रतिनिधि राम खिलावन पासवान, 20 सूत्रीय राजेश कुमार रजक, सहायक शिक्षक इंदल पासवान, गुड्डू चंद्रवंशी, असलम अंसारी, रिंकू बैठा, रंजीत पासवान, धमेंद्र शाह, मनीष कुमार सहित कई ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आरके सिंह पब्लिक स्कूल मेन रोड कितार, नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल CBSE और NCERT पैटर्न पर आधारित। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर विभूति नारायण सिंह उर्फ बिट्टू सिंह।